नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कोलकाता में आज G20 की पहली बैठक, भारत सहित 19 देशों के प्रतिनिधि लेंगे इसमें हिस्सा। जोशीमठ, आपदा पर पीएमओ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, चीफ सेक्रेटरी पीके मिश्रा करेंगे अध्यक्षता। चीन के जयंती प्रांत में बड़ा सड़क हादसा, 19 के दर्दनाक मौत, 22 घायल। भारत में बढ़ेगी बिग कैट की आबादी, 20 जनवरी को साउथ अफ्रीका से आएंगे 22 और चीते। एमसीडी हाउस हिंसा, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। एक बार फिर इंडिगो की फ्लाइट में बवाल, नशे में धुत यात्री ने किया हंगामा, 2 हुए गिरफ्तार। यूपी में बीजेपी युवा मोर्चे की सोशल मीडिया हेड पर FIR दर्ज, सपा ने लगाया डिंपल पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत, दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का भाषण और विश्व धर्म सम्मेलन का हिस्सा बन गया इतिहास। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जल्दी लेगी संन्यास, दुबई चैंपियनशिप में खेल सकती है आखिरी मुकाबला।